आज ऐसे ही हमारे साथ खास मेहमान, आपके जाने पहचाने, आपके चहेते, आपके खासम खास खुद बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे टिकट मांग रहे और पिछली बार भी मांग रहे थे, एडवोकेट सुनील सोरान मौजूद हैं और सबसे पहली बातचीत करेंगे इनसे। मनोहर जी ने वादा किया था बाड़ा में एक प्रोग्राम करेंगे, अगर सुनील एडवोकेट चाहेगा तो, आज तक ना तो वो प्रोग्राम हुआ। सबसे पहले वो ही बातचीत करेंगे, उसके बाद आते हैं अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर। वो पृष्ठभूमि थी किसान आंदोलन की, उस माहौल में मैंने प्रपोजल रखा था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा में नहीं घुसने दिया जा रहा था या हमारे मंत्रियों के भी प्रोग्राम कैंसिल कराए जा रहे थे, तो उस दौरान मैंने कहा था कि हाँ भाई मैं हूँ, मैं तारी काकी ताई का हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं, मैं माननीय मनोहरलाल जी का प्रोग्राम कराऊंगा। उस दौरान का जो समय था, उस समय के लिए कही गई बात थी। आज मेरी मनोहरलाल जी से कभी कभार मुलाकात होती है, बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात होती है, मेरे मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और उनका स्नेह मुझे मिलता है। लाखों गालियां खा चुके हैं एडवोकेट साहब सुनील सोरान जी, लेकिन मिला कुछ नहीं सुनील जी को, कुछ नहीं मिला बीजेपी की तरफ से, ना इधर के रहे सनम ना उधर के रहे, तेरे गली कूचे से बड़े बेआबरू होके निकले हैं। लांबा साहब महत्वपूर्ण है कि देश बचना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। अब देश की बात सोच लेते, प्रदेश की भी सोच लेते हैं हम, अग्निवीर योजना को लेके फिलहाल क्या कहेंगे, क्योंकि अग्निवीर योजना ने सारा भट्टा बटा दिया, सारे युवा विपक्ष और विपक्ष साहब रो रहे हैं, अग्निवीर का राग अलाप रहे हैं। लांबा साहब इसकी एक्सप्लेनेशन कई तरीके से की जा सकती है, अपन शुरुआत करते हैं आज जो, क्योंकि ताजा घटना कल की घटना है, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के पहले हिंदुस्तान आना पड़ा और अब वो शायद लंदन जा रही है, वहां ये माहौल क्यों डेवलप हुआ? मुद्दा केवल एक आरक्षण का था, विपक्षी पार्टियों ने पूरे देश में आग लगवा दी, वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव जीतकर कभी सरकार नहीं बना सकते थे। आज हिंदुस्तान दो बड़े दुश्मन है, पाकिस्तान और चाइना, और आधा दुश्मन है इस देश के कुछ विपक्षी पार्टियां और कुछ अराजक तत्व जो पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं, उसको कैसे रोका जाएगा? इन ढाई प्लेटफॉर्म से, इन ढाई मोर्चों से लड़ने के लिए हमारे को युवा सेना की जरूरत है, और जो चार साल के बाद अग्निवीर सेना से बाहर आएगा वो एक स्किल्ड मैन होगा, उसके पास एक स्किल होगी। आपकी नजर में अग्निवीर योजना जो लेके आई थी सरकार, वो सही है, फिट है? 100% फिट है लांबा साहब, अग्निपथ योजना को मैं सपोर्ट करता हूँ, बहुत सोची समझी और बहुत बोल्ड स्टेप है। फौज की नौकरी थोड़ी सी घटा दी गई है ना, जो भर्तियां होती थी फौज में आप 40-50% दो नौकरियां होती, लेकिन वहाँ पे आपने 25%। लांबा साहब जो व्यक्ति फौज में है केवल वही फौजी नहीं है, जो ट्रेंड आदमी है, क्योंकि ट्रेनिंग तो होगी ना उसकी, और वो जो फौज में तो नहीं है पर देश में है वो भी फौजी ही है, और जो स्किल्ड आदमी चार साल फौज की नौकरी करके आया, मैं कह रहा हूं पूरा देश स्किल्ड हो जाएगा, ये है फायदा। हुड्डा साहब आपकी सरकार पे काफी हैवी दिख रहे हैं, दीपेंद्र यात्रा कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और कहीं हुड्डा पे आप प्रेशर बना रहे हो, विपक्ष कहता है कि इडी वडी से डरा रहे हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, हम बात करें अपने इस इलाके की, उसने 10 साल इन पहाड़ों को नहीं चलने दिया, हमारे इलाके के लोगों का रोजगार खा गया। सड़कों की कंडीशन ये थी कि जैसे ही कलानौर क्रॉस होता था लगता था कि पाकिस्तान में घुस गया। इस प्रकार का एक व्यक्ति जिसने ऐसा शासन चलाया, उसके पीछे कुछ लोग हो गए, कौन लोग? जो स्वार्थी हैं, जनता तो अच्छी जनता नहीं है, वो लोग स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने हुड्डा सरकार में मलाई खाई, और इन 10 सालों में उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला गलत। अब वो किसी तरह से चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर फिर बन जाए ताकि उन्हें फिर वही माल खाने को मिल जाए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे, मैं हूं मुंडा लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हो चरखी दादरी में, और चरखी दादरी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के तहत यहां पे चुनाव लड़ा जाता है और नया जिला बना है और बाड़ा इसके अंदर आता है। तो बाड़ा से ही हमारे साथ खास मेहमान, आपके जाने पहचाने, आपके चहेते, आपके खासम खास
जो मेरे साथ शख्स हैं उनसे आज बातचीत करेंगे, अग्निवीर को लेके और भी एक दो मुद्दे हैं उनको लेके बातचीत करेंगे। खुद बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे टिकट मांग रहे और पिछली बार भी मांग रहे थे। अगर कहते हैं कि आला कमान आशीर्वाद देगा तो चुनाव लड़ेंगे, अगर उनका आशीर्वाद नहीं मिला तो नहीं लड़ेंगे। तो आज हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट सुनील सोरान मौजूद हैं और सबसे पहली बातचीत करेंगे इनसे। मनोहर जी ने वादा किया था बाड़ना में एक प्रोग्राम करेंगे अगर सुनील एडवोकेट चाहेगा तो, आज तक ना तो वो प्रोग्राम हुआ। सबसे पहले वो ही बातचीत करें, उसके बाद आते हैं अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर। एडवोकेट साहब का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। लामा साहब बहुत धन्यवाद। वो पृष्ठभूमि थी किसान आंदोलन की, तब हालात ये थे प्रदेश में कि किसानों मैं उनको दो तरह से कैटेगराइज करता हूँ। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे किसानों के भेष में, वो किसान नहीं थे, परंतु उनके साथ कुछ किसान भी शामिल हो गए थे अनजाने में, चीज़ों की सही जानकारी ना होने की वजह से। और वो दौर था जब आपकी इस पॉपुलर चैनल का मुझे फ़ायदा मिलता था और मैं लोगों में उन तीनों कृषि बिल के जो किसान के फेवर की बातें हैं वो मैं आपके चैनल पर रखता था। कई बार आपने मेरी डिबेट भी कराई उन किसान नेताओं के साथ और आपके इस पॉपुलर चैनल पर मैंने लाखों की संख्या में गालियां खाई। उस दौरान मैं उस माहौल में मैंने प्रपोजल रखा था जब माननीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा में नहीं घुसने दिया जा रहा था या हमारे मंत्रियों के भी प्रोग्राम कैंसिल कराए जा रहे थे, तो उस दौरान मैंने कहा था कि हाँ भाई मैं हूँ, मैं तारी काकी ताई का हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं, मैं माननीय मनोहरलाल जी का प्रोग्राम कराऊँगा बाड़ा या दादरी की धरती पर, जहाँ कहीं भी मनोहरलाल जी को सूट करेगा। उसके बाद वो कुछ दिन वो काम चला भी, मनोहरलाल जी ने मेरी बातों को अप्रिशिएट भी किया और उन्हें कहा भी कि वकील साहब जब भी समय मांगेंगे तो मैं जरूर समय दूंगा। वो चीज़ें बनती उससे पहले समय बदला, चीज़ें चेंज हुई, नए सर्कमस्टांसेस डेवलप हुए, वो किसान आंदोलन ख़त्म हुआ। तो वो स्पेशल उस दौरान का जो समय था उस समय के लिए कही गई बात थी। आज मेरी मनोहरलाल जी से कभी कभार मुलाकात होती है, बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात होती है, मेरे मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और उनका स्नेह मुझे मिलता है। लाखों गालियां खाई आपने कहा कि अपने मुंह से, लाखों गालियां खा चुके हैं एडवोकेट साहब सुनील सोरान जी, लेकिन मिला कुछ नहीं सुनील जी को, कुछ नहीं मिला बीजेपी की तरफ से। सुनील जी ऐसा तो नहीं हुआ मुझे बहुत, ना इधर के रहे सनम ना उधर के रहे, तेरे गली कूचे से बड़े बेआबरू होके निकले हैं, ऐसा तो नहीं है बीजेपी आपको बड़े बेआबरू होके और घर पे बैठा दिया, ना आपके पास कोई पद ना आपके पास। हाँ अभी मेरे पास पद है, मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, लाभार्थी वर्ग का, मेरे पास पद है, बहुत सम्मानित पद है पार्टी की तरफ से मुझे, तो ऐसा ना कहें कि मुझे पद नहीं है। दूसरी बात ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लांबा साहब, महत्वपूर्ण है कि देश बचना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। जब 152 डी पे ट्रेवल करके मैं बार बार कहता हूँ, जब मैं चंडीगढ़ 3 घंटे में पहुँचता हूँ तो मेरा काम बन जाता है, जब मुझे ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स मिलती हैं तो मेरा काम बन जाता है, जब मैं यहाँ लोगों को देखता हूँ कि उनको न्याय मिल रहा है, उनको लाभ मिल रहा है। और आज मेरी सरकार ने किसानों की सभी फसलों पर MSP देने की जो घोषणा की है, तो मुझे लगता है कि मुझे पद मिल गया और मेरा काम बन रहा है। लामा साहब देश और प्रदेश की भी सोचनी पड़ेगी। अब देश की बात सोच लेते हैं, प्रदेश की भी सोच लेते हैं। हम अग्निवीर योजना को लेके फिलहाल क्या कहेंगे, क्योंकि अग्निवीर योजना ने सारा भट्टा बढ़ा दिया, सारे युवा विपक्ष और विपक्ष साहब रो रहे हैं, अग्निवीर का राग अलाप रहे हैं, संसद से लेके गली कूचे तक युवा कहते हैं 4 साल में हम क्या करेंगे। कई जगह सुनने को मिलता है 4 साल बाद यहाँ पे आके हथियार उठाएंगे, विपक्ष कहता है गुंडागर्दी करेंगे गोली चलाएंगे, कई बार पता नहीं क्या क्या सुनने, कौन शादी करेगा 4 साल अग्निवीर से, कहीं अगर वहाँ कुछ गोली वोली लग जाती है ऑन द स्पॉट तो ना कोई मान ना कोई सम्मान ना कोई धन ना कोई दौलत, तो ऐसे में बेचारे जाएँ तो जाएँ कहाँ। ये अग्निवीर योजना ने सब कुछ चौपट कर दिया और आपकी सरकार का भी पलीता बांध दिया है, अग्निवीर योजना से कैसे निपटेंगे सुनील जी, बहुत बड़ा एक मुद्दा बन के निकला अग्निवीर का और अग्निवीर एक नहीं पूरे भारत की समस्या बन गया। लामा साहब
इसकी एक्सप्लेनेशन कई तरीके से की जा सकती है। अपन शुरुआत करते हैं आज जो, क्योंकि ताज़ा घटना कल की घटना है, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के पहले हिंदुस्तान आना पड़ा और अब वो शायद लंदन जा रही है। वहाँ ये माहौल क्यों डेवलप हुआ वहाँ, और कौन है शेख हसीना? शेख हसीना है शेख मुजब्बिर रहमान की बेटी, जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है बांग्लादेश में, जो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल था कि कैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई गई थी। मुद्दा केवल एक आरक्षण का था, विपक्षी पार्टियों ने पूरे देश में आग लगवा दी। वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव जीतकर कभी सरकार नहीं बना सकते थे, लेकिन ये सच बात है कि सरकार जब कोई चुनाव होता है तो 100 के 100% लोग तो सरकार के साथ नहीं होते हैं, 40-45-50% लोग ही वोट कास्ट करते हैं जो फेवर में करते हैं। लेकिन जो विपक्षी थे चुनाव तो जीत नहीं सकते थे, मगर उस आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने आज ये हालात कर दी कि पूरे देश को उपद्रवी बना दिया। आज हिंदुस्तान, दो बड़े दुश्मन हैं पाकिस्तान और चाइना, और आधा दुश्मन है इस देश के कुछ विपक्षी पार्टियां और कुछ अराजक तत्व जो पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं, उसको कैसे रोका जाएगा? इन ढाई प्लेटफॉर्म से, इन ढाई मोर्चों से लड़ने के लिए हमारे को युवा सेना की जरूरत है। युवा सेना कैसे होगी, उसके लिए कोई एक स्कीम होगी। अगर आज एक सैनिक भर्ती होता है और वो 30 साल में 28 साल में रिटायर होता है, तो हम इतनी बड़ी युवा सेना नहीं बना सकते। इसके लिए किया गया कार्य है, और जो 4 साल के बाद अग्निवीर सेना से बाहर आएगा वो एक स्किल्ड मैन होगा, उसके पास एक स्किल होगी। हरियाणा सरकार ने तो 10% आरक्षण दे दिया है, ऐसी अन्य सरकारें भी उनको आरक्षण दे रही हैं। प्लस में मैं कहता हूं, कोई भी अग्निवीर जब सेना से बाहर आएगा तो इस आरक्षण का इंतजार नहीं करेगा, वो स्किल्ड होगा। इस देश में आज जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मिलते नहीं हैं तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं मिलते हैं। आज कहीं भी देश में चले जाओ, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, किसी स्टेट में कहीं पर चले जाओ, हर जगह स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आज देश की इकोनॉमी ऊपर बढ़ रही है, तो ये एक पंथ दो काज है, एक तो सेना युवा हो रही है ताकि इस ढाई फ्रंट से लड़ सके, और प्लस में स्किल्ड लोग देश सरकार के पैसे पर इकट्ठा हो रहे हैं। रही बात अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती है, तो अभी भी एक मुद्दा उठा था और एक बात क्लियर हुई थी कि 1 करोड़ रुपया तो उसे इंश्योरेंस के तौर पर मिला था और 30 लाख रुपए सरकार ने दिए थे। तो सरकार ऐसा नहीं है, सरकार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी कर रही है काम। अगर कोई कैजुअल्टी होती है, कोई मार्टियर होता है, तो उसका और उसकी फैमिली का ध्यान भी सरकार रख रही है। आपकी नज़र में अग्निवीर योजना जो लेके आई थी सरकार, वो सही है, फिट है आपकी? 100% फिट है लांबा साहब, अग्निपथ योजना को मैं सपोर्ट करता हूँ। बहुत सोची समझी और बहुत बोल्ड स्टेप है। फौज की नौकरी थोड़ी सी घटा दी गई है ना, जो भर्तियाँ होती थी फौज में, आप 40%, 50% दो नौकरियां होती, लेकिन वहां पे आपने 25% लांबा साहब, जो व्यक्ति फौज में है केवल वही फौजी नहीं है, जो ट्रेंड आदमी है, क्योंकि ट्रेनिंग तो होगी ना उसकी, और वो जो फौज में तो नहीं है पर देश में है, वो भी फौजी ही है। अगर देश को कभी जरूरत पड़ती है तो वो देश के लिए तैयार है और उसकी जरूरतें पूरे करने के लिए देश है। लेकिन 4 साल बाद कहते हैं गुंडे बनेंगे, आके गोलियां चलाना, वहां पे ट्रेनिंग तो ले ही लेते हैं, उनके बनना रोजगार रहेगा तो क्या करेंगे? लांबा साहब, जिसको गलत नैरेटिव सेट करना है, लांबा साहब जिसको विरोध करना है, जिसको गलत बात कहनी है, वो तो ऐसी बातें कहेगा ही। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर कोई आदमी 4 साल फौज की ट्रेनिंग के बाद आएगा वो गुंडा बनेगा? लंबा साहब, ये तो फौज की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आप देखो, आज हर ऑर्गेनाइजेशन फौजी को अपने साथ जोड़ना चाहती है, हर ऑर्गेनाइजेशन। जो फौजी बैंक में आए रिटायरमेंट के बाद, या जो फौजी पुलिस में आए, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, और आम आदमी भी ये चाहता है कि हम अपना काम बजाय कि एक सिविलियन से कराने के, इन फौजी से अपना काम कराएं। फौजी ईमानदार होता है, फौजी अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होता है, फौजी अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसमें प्रोफेशनलिज्म होता है। हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन फौजी को अपने साथ जोड़ना पसंद करती है। हिंदुस्तान में फौजी, फौज की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, और एक स्किल्ड व्यक्ति, फौज का रिटायर्ड आदमी, आप पता नहीं, मुझे तो लगता है कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं कि आगे बंदूक उठाएंगे, फौजी बंदूक नहीं उठाएगा। चलो मान लेते हैं, लेकिन फौज का कोटा घटाना कहां तक? फौज वो जो कोटा था वो तो रेगुलर रखना चाहिए था अपना, और अग्निवीर योजना अलग लेके आनी चाहिए थी, फौज से इसका कोई लेना देना नहीं है। फौजी जो हम भर्ती कर रहे हैं 100%, 80% साल में 20,000, 50,000 जो वो तो करेंगे, उनमें उसका कोई लेना देना नहीं है। इनमें से इनको भी लेंगे, अगर अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छे कोई होनहार होंगे इनमें से। लांबा साहब, ये तो
मैं कह रहा हूँ ये तो बैठे बैठे दिमाग में कुक की हुई चीज़ें हैं। बदलाव देर सवेर बदलाव आता है, चीज़ों को बदला भी जाता है और इस बदलाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स इस देश को देखने को मिलेंगे। ये तो कल को कोई किसी के बारे में कहना शुरू कर देगा। और अभी भी कई मिस हैपनिंग तो अब भी हुई हैं कि फौजी जो 15 साल सर्विस करते हैं, 20 साल सर्विस करके आते हैं, कभी कोई परिस्थितियाँ डेवलप हो जाती हैं, कोई गलत संगत में पड़ जाता है, कोई और कोई होती है, तो मिस हैपनिंग तो अब भी होती हैं। लेकिन एक फौज का स्किल्ड प्रोफेशनल व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं करता। और आप इसको इस तरह क्यों नोटिस कर रहे हैं कि एक जो 4 साल की नौकरी के बाद फौज से बाहर आ गया वो फौजी नहीं रहेगा? फौजी विल ऑलवेज रिमेन ए फौजी, ये मान के चलो। यहां तक ये बात है कि फौजी के बेटे भी फौजी जैसे ही हो जाते हैं, वो भले ही चाहे किसी डिपार्टमेंट चले जाएं लेकिन वो बिहेव करते हैं फौजी की तरह से। और जो स्किल्ड आदमी 4 साल फौज की नौकरी करके आया, मैं कह रहा हूं पूरा देश स्किल्ड हो जाएगा, ये है फायदा। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरांत खास बातचीत, इनका कहना है कि अग्निवीर योजना जो है वो 100% सही है। विपक्ष से कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, जनता जनार्दन को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका ये कहना है। आप कितने सहमत हैं अग्निवीर योजना से? आपसे भी जानना चाहेंगे क्या वास्तव में अग्निवीर योजना जो सरकार लेके आई है उसमें ज़्यादा कमियां हैं, तो कौन सी कमी है, कौन सी सरकार को ध्यान देना चाहिए, कौन सी फोकस देना चाहिए? अब हुड्डा साहब आपकी सरकार पे काफ़ी हैवी दिख रहे हैं, दीपेंद्र यात्रा कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और कहीं हुड्डा पे आप प्रेशर बना रहे हो, विपक्ष कहता है कि एडी वीडी से डरा रहे हो उनको, शिकंजे में जो भी कोई ऊपर गर्दन उठाता है उसी को आप ईडी से रगड़ा मार के वहीं शांत कर देते, तो ये क्या? लामा साहब, इस बात का जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। हम बात करें अपने इस इलाके की, उसने 10 साल इन पहाड़ों को नहीं चलने दिया, हमारे इलाके के लोगों का रोजगार खा गया, यहाँ कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ। अगर नौकरियाँ दी तो भी सोनीपत झज्जर रोहतक के लोगों को दी, सांगी खटवाड़ी के आगे लोग यहाँ आके हमारे पंप हाउसेस पे काम करते थे। सड़कों की कंडीशन ये थी कि जैसे ही कलानौर क्रॉस होता था लगता था कि पाकिस्तान में घुस गए। इस प्रकार का एक व्यक्ति जिसने ऐसा शासन चलाया, उसके पीछे कुछ लोग हो गए। कौन लोग? जो स्वार्थी हैं। जनता तो अच्छी नो, जनता नहीं है वो लोग स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने हुड्डा सरकार में मलाई खाई, और इन 10 सालों में उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला गलत। अब वो किसी तरह से यहां येन केन प्रकरण पैसा लगा के लोगों को बहका के बरगला के और कोई दूसरे लोभ लालच देके सड़कों पर आ रहे हैं, और किसी प्रकार से चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर फिर बन जाए ताकि उन्हें फिर वही माल खाने को मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला लामा साहब। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, स्मार्ट है, जानती है अपनी वोट की कीमत, जानती है वो सही जगह वोट करने वाली है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे व्यक्ति को अब दोबारा यहाँ कुछ नहीं मिलना। यही हालात उसके बेटे के हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा में कोई अंतर नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा कितना भी प्रयास कर ले, अब वो उसकी दाल नहीं गलेगी। तो सुनील जी से विदा लेते हैं क्योंकि काफ़ी बातचीत हो चुकी है और काफ़ी लंबी बातचीत हो जाती है तो दर्शकों को थोड़ी सी समस्या हो जाती है देखने में, लेकिन बातें तो आपकी बार क्या लगता है, बीजेपी जाने वाली है फिर बीजेपी दोबारा हैट्रिक? बीजेपी हैट्रिक लगाने वाली है, जाने के लिए कोई जगह नहीं है, बीजेपी हैट्रिक लगाने वाली। लामा साहब देखो, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ईमानदारी से काम, ईमानदारी से भर्तियां, ईमानदारी से नौकरियां, पूरे प्रदेश का एक जैसा डेवलपमेंट, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसानों को सभी फसलों पर MSP, अगर कोई डैमेजेज है तो मुआवजा, सोशल सिक्योरिटी, बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये से ऊपर, महिलाओं को सिक्योरिटी, महिलाओं के लिए विशेष थाने, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां लोगों को उनके अधिकार ना मिल रहे हों। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट सबसे बड़ी बात, तो हैट्रिक तो लगनी लाजमी लामा साहब। थैंक यू सुनील जी बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय लिया। धन्यवाद लामा साहब। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरांत बने, तो खास बातचीत इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से सुनील सोरांत को टिकट मिल सकती है बीजेपी की? अगर मिल जाती हो तो कितने प्रतिशत चांसेस जीत सकते हैं? तो कितने आप सहमत हैं? वास्तव में पारदर्शिता दिखाई है मनोहर खट्टर साहब की सरकार ने, या फिर खाली 9:30 तक लठे हैं खिलाए आपको? तो ये भी अपनी राय जरूर लिख दीजिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।